मध्य प्रदेश की राजनीति में गेम चेंजर बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के हो चुके हैं। इन दिनों प्रदेश की सियासत में कई उलटफेर देखने को मिले। 18 साल से कांग्रेस के साथ जनता के दिलों पर राज करने वाले सिंधिया ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। सिंधिया राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सिंधिया का रहन सहन से कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो शहाना जिंदगी जीते हैं। जी हाँ, सिंधिया के महल की तरह शायद ही किसी राजनेता का घर हो। ग्वालियर में स्थित उनका पुश्तैनी महल जय विलास सिर्फ कला और स्थापत्य के लिहाज से भरपूर है, बल्कि टूरिस्ट जगहों पर भी टॉप लिस्ट में शामिल है। सिंधिया का महल 150 साल पुराना है। यहाँ 400 कमरे और वर्तमान में इसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। महल के एक हिस्से में सिंधिया राजवंश के इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इसे म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। इस महल को 150 साल पहले सिंधिया के पूर्वज महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। वहीं इसी के भीतर एक 5-स्टार होटल भी है। इस महल में पूरे सिंधिया राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस महल को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने डिजाइन किया। 150 साल पहले इस महल को बनवाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस महल के कई हिस्सों को बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी सजा कर रखा गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।